सिविलाइज्ड इंडियन, आप युवा हो जी, सबसे पहले आपके जिंदगी का मसला जी रोजगार होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। आपके अपने कोर्स करते वक्त पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कितनी भर्तियां निकली और कितने फॉर्म आपने भरे और कितने एग्जाम दिए? मैंने ना तो कोई सर आज तक LLB में एडमिशन लेने के बाद सरकारी कोई फॉर्म भरा है, क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं थी। मैं LLB में एडमिशन लेने के बाद ही सेट हो गया। अपना चैम्बर है, चाचा जी एडवोकेट हैं। डिपार्टमेंट तो कुछ मालूम है कि इस सरकार में कितने एग्जाम कैंसिल हुए, कितना पर्चा आउट हुआ, कुछ आपको मालूम है? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और रही मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं समझ गया, अब इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं। यहाँ हम सब राजपूत होने से पहले हिंदू हैं। अच्छा, आप भारत का संविधान पढ़े हो? नहीं जी। लॉ किस ईयर में हो? हो गया, लास्ट हो गया सर। पूरा लॉ हो गया, भारत का संविधान ही नहीं पढ़े? नहीं, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा सर, बता तो रहा हूँ, नहीं पढ़ा मैं। तो पढ़ा क्या? जो था उसमें वो बुक थी वो पढ़ी है। संविधान तो बाद का है, प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो। मैं समझ गया, अब इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं। तुम बताओ, तुम कौन हो? ऋषभ आलियान। बच्चों में क्या है, नए बच्चों में? सर नए बच्चों में तो BJP है, क्योंकि BJP काम करा रही है, राफेल लाई है या फिर स्ट्राइक करा रही है, किसी की सुनना रही है। अपना पाकिस्तान दबके बैठा फिलहाल। कश्मीर में से कौन धारा 144 हटा रहा था, BJP वालों ने हटवाई। कश्मीर में धारा कौन सी लगी? 144। तो ये एक बात बताओ, आप बालियान हो तो संजीव बालियान इधर मुजफ्फरनगर के बड़े नेता हैं, 2 बार जीत भी लिए। ये जो किसान, तो आप जाट हो, तो ये किसान आंदोलन जो कर रहे थे बॉर्डर पर, वो सही कर रहे थे गलत कर रहे थे? सर कुछ जगह सही था, कुछ जगह गलत भी था। नहीं, आप ये बताओ कि एक जवान के तौर पर, नौजवान के तौर पर आप क्या मानते हो, किसानों ने जो आंदोलन किया वो ठीक था कि मोदी सरकार का फैसला ठीक? सर दोनों सही है। तो ये मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका पक्ष, आप युवा हैं, आपका पक्ष क्या है? सर मेरा जो करा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट हो रहा है इंडिया में, उसकी तरफ से BJP। मैं समझ गया, अब इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं। क्या करते हो पहले ये बताओ? मैं काम करता हूँ। मैं नौकरी है जी, नौकरी है, कौन कहता है नौकरी नहीं है? काम करने वाले की कोई कमी नहीं है, मेहनत करने वाला होना चाहिए, चाहे से कम मिले या ज़्यादा मिले। देखिए आप ये भी देख सकते हैं, बोलने को ये भी बोल सकते हैं लेबर के काम नहीं है, मगर लेडीज़ जब काम कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते काम? इनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए, यही है। हाँ, मोदी सरकार को हम वोट देंगे, कोई कुछ कहती है पब्लिक, कोई कुछ कहती है, हमारे को औरों से मतलब नहीं है। एक सनातन के, अच्छा हिंदू वाला जी जी जी, एक सनातन के हिसाब से हमें गर्व होता है, मोदी और योगी जी के हम वोट देंगे। मोदी जी ने खुल के बोलना, जो कहाँ बोल रहे हैं, मणिपुर तो बोलवा रहे हैं, तो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो सब सियासत है ना। मोदी जी की नॉलेज में हर चीज़ है, ये बताइए आप कैसे हो सकता है कि उनके नॉलेज में ना हो? तहकीकात हो रही होगी, आप जान सकते हैं। 90 दिन हो गया, कब तक तहकीकात होगी? देखिए ये अलग विषय है, एकदम से वो प्रधानमंत्री है, हर चीज़ सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो 3 काम तो बताते जाओ मोदी जी योगी जी के सरकार के। कौन सा काम बताऊँ, बताइए कोई 3 काम बता दो। सबसे बड़ा काम जो है, लोग महंगाई महंगाई करते हैं, महंगाई तो हो रही है, उसी के हिसाब से पैसे भी तो ले रहा है ना सैलरी, जो सैलरी पहले बंदा 7,000। 3 काम बताओगे कि? सर मुझे 3 काम का ये पता है, सनातन का उन्होंने नाम रोशन करा है, बस यही 3 है जी सर। चलो मैं समझ गया, अब इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं। क्या नाम है आप? अशोक, बहुत खुश हूँ, आपने हमारे देश को बचाने, डूबने से बचा लिया। किसे? अरे आज ये हमारी मोदी सरकार नहीं होती, चाइना हमारे देश को ले लिया होता। बहरहाल आपको व्हाट्सएप से ज्ञान मिलता है कि नहीं? बहुत मिलता है, मैं व्हाट्सएप पर बहुत सब देखता हूँ, यही सब देखता हूँ। और वैसे आपने पढ़ाई कहाँ से की है और कितनी की है? हम तो यहीं कुशीनगर से ही किए हैं। कितनी पढ़ाई? BCOM कर लिए हैं। तो इसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं? क्या आप ये महसूस करते हैं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ाई में जो ज्ञान आपको नहीं मिला वो व्हाट्सएप से मिल रहा है? जो हम कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि हमारी इतनी कम एजुकेशन में इतना जानकारी हो जाती, वो इस समय हम मोबाइल से कर लेते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आपको कैसे पता चले कि व्हाट्सएप से जो ज्ञान मिल रहा है, जो जानकारी मिल रही है, वो कितनी सही है कितनी गलत? देखिए सारे तो सही नहीं हैं, लेकिन उम्मीद किया जाता है, अनुभव जब किया जाता है तो लगता है कि ये तो सचमुच हमारे लाइफ से रिलेटिव है। और जब वैसा ही TV चैनल में दिखाया जाने लगता है जैसा व्हाट्सएप में आता है, तब लगता है कि एकदम सही होगा, राइट है। मैं समझ गया, अब इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं। सर राम के भी, भगवान राम के भी चित्र हैं, सबके चित्र हैं, तो कहने का मतलब ऐसा थोड़ी कोई संविधान में हमारे जो भी है, मतलब हिंदू धर्म में जो भी भगवान हम पूजते हैं उनका तो वहाँ पे फोटो है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन संविधान है, संविधान से चलना चाहिए, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र हमारा है, और मतलब हिंदू में होता है कि एक सब समाते हैं, सब को हम लेके चलते हैं, ऐसा नहीं कि हम मतलब एक धर्म है तो हम एक ही। अच्छा, आप 4 वेद के नाम बताइए। हम वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। सबसे पुराना कौन सा?
शायद अथर्वेद है या ऋग्वेद होगा। अथर्वेद या ऋग्वेद होगा कि दो होगा? नहीं, कोई एक है लेकिन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है जो कौन सा है, लेकिन ये चार वेद हैं। हम आपका जनरल नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहे चूँकि आप इतनी, तो मेरा ये आपसे सवाल है कि इस देश में हिंदू और हिंदुत्व की बात करने वाली राष्ट्र में केंद्र में 8 साल सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, फिर हिंदुत्व कैसे इन्हीं 8 सालों में आजकल बहुत खतरे में आ गए? नहीं, खतरे में नहीं है। पहले क्या था कि हिंदू पर जो अत्याचार होते थे ना, वो बोलते नहीं थे, अपने आप सह लेते थे, देन कुछ सरकारें जी तो सपोर्ट नहीं कर रही थी। लेकिन अब क्या है कि हम बोलते हैं कि तुम मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हो। जैसे मान लो कोई जुलूस निकाले, गौरक्षक के नाम पे लोगों को मार डालना, ये तो गलत है। देखो, गौरक्षक, सुनो, बीजेपी का सांसद होके कहना कि चाकू की तलवार तेज रखो, अपने घर में रखो, जनसंख्या के बारे में बयान देना, ये हिंदू धर्म या हिंदू धर्म के मान्यताओं वाले लोगों के लिए सूट करता है? देखिए, हिंदू धर्म में देखिए क्या है सर, यहाँ पे जो है ना, वेद को भी पूजते हैं, शस्त्र को भी पूजते हैं। मैं समझ गया, अब इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। अगर आप इतना नहीं समझते तो आप बहुत क्यूट हैं, बल्कि बहुत म्यूट हैं।